हेलो विजार्ड विच और अनजान मगलू लोगों, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर जरूर फॉलो कर लेना। हैरी पॉटर और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट आपस में रिलेटेड है, मतलब एक रिलेटिव यानी कजन कह सकते हो, क्योंकि दोनों के वंशज एक है। द टेल ऑफ थ्री ब्रदर्स के बारे में तो आपको पता ही होगा। मौत ने तीन भाइयों को तोहफे दिए जिन्हें मौत के तोहफे कहा जाता है। कैडमस को पुनर्जीवन पत्थर, इग्नोटस को जादुई जोगा और एंटोच को एल्डर वॉन्ड। जिन लोगों ने हैरी पॉटर देखी है या पढ़ी है उनमें से मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट और हैरी पॉटर का आपस में कुछ संबंध है, दोनों कहीं ना कहीं कजन है। तो कैडमस का रिलेशन आगे चलकर गॉन्ड फैमिली के साथ हुआ। ये कैसे हुआ इसका 100% कहीं भी कोई सोर्स नहीं है, और स्लिथरिन का रिलेशन भी गॉन्ड फैमिली के साथ था। ये स्टोन फैमिली टू फैमिली पास होते होते गॉन्ड फैमिली में आया, यानी गॉन्ड फैमिली के वंशज में कैडमस पेवरल है, यानी गॉन्ड फैमिली का संबंध पेवरल से हो चुका है। दोस्तों मैरोपी गॉन्ड टॉम रिडल यानी वोल्डेमॉर्ट की माँ ने लव पोशन का इस्तेमाल करा था टॉम रिडल सीनियर पे, जिसके चलते लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट पैदा हुआ। और जब टॉम रिडल सीनियर जो है होश में आया, लव पोशन का असर उस पर उतर गया, तो वो उन्हें छोड़कर वहां से चला गया। लेकिन टॉम रिडल जूनियर पैदा हो चुका था यानी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, तो इसके चलते रिडल का संबंध भी जो है वो पेवरल फैमिली से हो गया। तो इस तरह से लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का कनेक्शन जो है वो कैडमस पेवरल के साथ है और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के वंश में कैडमस आ जाता है। हैरी पॉटर का कॉन्सेप्ट पूरा सिंपल है। इग्नोटस की जो ग्रैंड डॉटर थी लोलेंथी पेवरल और हैरी पॉटर के वंशज हार्डविन पॉटर ने आपस में शादी कर ली थी, जो हैरी पॉटर और जेम्स के वंशज ही थे, जिस वजह से इग्नोटस पेवरल का कनेक्शन जो है पॉटर्स के साथ हो गया था। ये कॉन्सेप्ट पूरा सिंपल है। इग्नोटस की ग्रैंड डॉटर ने हार्डविन पॉटर से शादी करी थी और हार्डविन पॉटर जो है हैरी पॉटर के वंशज में से ही एक है, जिस वजह से पेवरल फैमिली का संबंध पॉटर्स के साथ उस वक्त उस दौरान हो गया था। अब दोस्तों जादुई जोगा कैसे मिला ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, जेम्स तक कैसे पहुंचा ये वीडियो मैंने एकदम बना दी है। रिंग स्टार्टिंग में वोल्डेमॉर्ट को मिली नहीं थी, उसने अपने मामा से छीन ली या चुराई कह सकते हो। तो कैडमस का रिलेशन लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के साथ, इग्नोटस का रिलेशन हैरी पॉटर के साथ। तो कैडमस इग्नोटस दोनों भाई हैं, तो भाई वोल्डेमॉर्ट और हैरी पॉटर भी कुछ ना कुछ तो होंगे ना, कजन तो होंगे ना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्रूफ की, कि प्रूफ क्या, मैं ये हवाबाजी में तो नहीं बोल रहा हूँ। अब दोस्तों जब भी आप लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का रिलेशन चेक करेंगे तो उसमें हैरी पॉटर का नाम दिखाया जाता है कजन के रूप में। हैरी पॉटर का रिलेशन चेक करेंगे कि रिलेटिव्स में क्या क्या है, तो हैरी पॉटर के उसमें भी आपको लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का नाम दिखाया जाता है। गॉन्ड फैमिली में जब आप लोग चेक करोगे तो कैडमस का नाम भी दिखाया जाता है, और इग्नोटस में जब आप चेक करोगे तो हैरी पॉटर भी दिखाया जाता है, जिसका सीधे सीधे मतलब ये हो जाता है कि हैरी पॉटर और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट आपस में कनेक्ट है, और कैडमस और इग्नोटस से तो ये कनेक्ट है। इन दोनों के वंशज जो है वो कैडमस और इग्नोटस ही थे। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट और हैरी पॉटर आपस में जो है रिलेटिव्स है। अब दोस्तों बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि हैरी पॉटर और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट आपस में रिलेटेड जब से हुए, जब से गॉब्लेट ऑफ फायर में लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने हैरी का ब्लड इस्तेमाल करा, हैरी के ब्लड इस्तेमाल करने की वजह से हैरी पॉटर और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट आपस में रिलेटेड हो गए। दोस्तों रिलेटेड होने में और रिलेशन होने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो जो लोग सोचते हैं कि गॉब्लेट ऑफ फायर में लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने हैरी का ब्लड इस्तेमाल करा है, उन्हें भाई मेरी ये वाली थ्योरी जाकर जरूर सेंड कर देना या फिर उन्हें सुनाई देना मेरी ये थ्योरी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जो लोग कहते हैं कि मेरा कॉन्टेंट बकवास है या कॉपी है, उनके लिए ये एक वर्ड।